हेलो फ्रेंड्स, सिविल डायरे में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो ट्रायंगल रिंग है, इसको समोसा रिंग भी कहते हैं। ये जो हमारा ट्रायंगल रिंग है, इस ट्रायंगल रिंग को हमारे बेंडिंग मशीन में कैसे बनाना है, ये आज हमें सीखना है। तो ये सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, तो ये ट्रायंगल रिंग का जो साइज़ है और डाया, सबसे पहले ये हमारा 8 mm का डाया है और इसकी जो साइज़ है वो नीचे का जो बेस तो हमारा 220 x 90 x 90 और इसका 10D hook 80 mm के हिसाब से 10D hook, ये सब देखा है। इसके हिसाब से हम यहाँ साइज में या बेंडिंग मशीन में अपन ईयर रिंग बनाएंगे। तो हम फिटर भाई से जानकारी लेके उनसे सब पूछ के बात करेंगे कि कैसे आप इसको बेंड करते हैं, ये साइड मेजरमेंट कैसे लेते हैं, इसको पिन यूज कैसे करते हैं। ये सब जानकारी लेने के बाद आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। तो अभी ये जो बेंडिंग मशीन में क्या क्या यूज़ हो रहा है देखिएगा। सबसे पहले स्टॉपर यूज़ हो रहा है, ठीक है। स्टॉपर एक लाइन से होके यहाँ पर एक थोड़ा सा 8 mm का गैप रख के 8-10 mm का अपना हिसाब से उसको एडजस्ट किया हुआ है। उस तरफ वो एडजस्टेबल है, ये आगे पीछे हो जाता है। उसके बाद ये सेंटर पिन है 25 वाली, ये 25 की सेंटर पिन है और ये जो है वो 40 का पिन, ये पूरा ये वाला 40 है, उसके ऊपर में 70 की पिन है ये ऐसा। और इसके तो ये 1, 2, 3 ये इसका सेंटर का बराबर इसके बगल वाला इसमें वो सेट किया हुआ है। तो इसके बाद में जो हमारा ये एडजस्ट पिन होती है जो डाले हुए, तो एडजस्ट पिन कैसे लिए हुए वो पूरी जानकारी हम यहाँ पर चालू करने वाले हैं। हाँ, और एक बात है, अभी जो बेंडिंग मशीन चला रहे वो अपना तरफ है, जिधर स्विच है उस तरफ यहाँ फिटर भाई खड़े हैं और इसी तरफ में वो बेंडिंग मशीन का मूवमेंट इस तरफ आ रहा है, मतलब बेंड इस तरफ आ रहा है अपनी तरफ। और यह स्विच है, ये पैंडल स्विच है, यहाँ पर वो चालू करने से वो मशीन आगे पीछे हो जाती है। और यहाँ पर ये जो है वो डायरेक्ट मैनुअल ये ऑटो दिख रही है, ऑटो यानी एक बार स्विच कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली चालू होकर रिटर्न जाएगा। ये मैनुअली यानी बटन दब, ये जो आगे पीछे करने वाले है उसके हिसाब से ये पिन 1, 2, 3 है, 3 पिन के लिए वो तीनों स्विच है। ये फुट प्लेट के लिए प्रेस होने वाला है, इसके लिए ये ऑन ये ऑफ है, ये पावर का जो लाइट से वो दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ जो है दिख रहे हो डायरेक्ट यानी बंद चालू, यहाँ से बंद चालू कर सकते हैं। ये जो मशीन है ऐसा है, इसमें आप बेंडिंग मोमेंट देख सकते हैं। तो इसकी कैपेसिटी यहाँ दिया गया है, नंबर ऑफ बार जो दिया गया है पूरा पर के, इधर में 40 में कितना लेना है एक लेना है, 36 में कितना लेना है एक, 32 का एक है, 25 का, या सिर्फ वो जो सब इसके यहाँ से सबसे यहाँ पूरा टेबल दिया गया है, इस टेबल के हिसाब से हमें यूज़ करना चाहिए। अभी यहाँ पर हम 8 का रिंग यूज़ कर रहे हैं, तो 8 का स्किल जो है वो हम 8 नंबर्स ले सकते हैं, यहाँ दिया गया है पूरा। जो नंबर ऑफ स्टेरिंग जो थोड़ा सा अलग, मतलब ये सब वेट के हिसाब से आपको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 8 का रिंग रहते हैं तो 8 नंबर जितना वेट थे इसके हिसाब से बाइंडिंग करते हैं। तो अब देख रहे हैं यहाँ कटिंग लेंथ, सबसे पहले हम देखेंगे तो कल देखे थे वही, उस तरफ फेस लगाइए 1 मिनट के लिए सिर्फ कटिंग लेंथ देखने के लिए। ये थोड़ा सा ये देखो 744 हमारा था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कटिंग हो गया, कटिंग में थोड़ा टॉलरेंस होता ही है और वो कटिंग करते टाइम थोड़ा आगे पीछे होता ही। सबसे पहले क्या करना है, आगे वाला फेस एक साथ करना है, जो सबसे पहले हुक बेंड करने वाले हैं यहाँ वाला, ये हुक जो है ये पहले बेंड करने वाले। एक पिन का जो देखिए यहाँ से आगे हमारा ई पिन का आगे से 50 mm रखना है, ताकि 30 mm बढ़ के वो हमारा 80 हो जाएगा। इस पिन के लिए कौन सा पिन है, स्टॉपर पिन 2 नंबर वाला, 1, 2, 3 नंबर वाला, ये 2 नंबर वाला पिन है, ये बेंड होगा पहला। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से आगे ये वाला पॉइंट बेंड होगा। तो ये पॉइंट के लिए हम पहले यहाँ 2 मार्किंग करना होगा, यानी ये 220 से पिन से पीछे जाएगा, 200 जाएगा, यानी 190 प्लस 10 mm एक्स्ट्रा, बराबर ना, 190 प्लस 10 mm एक्स्ट्रा रख के हम ये बेंडिंग कर रहे हैं। हाँ, 2 नंबर पिन पे, उसके बाद में हम ये कर दिया। उसके बाद में हमारा इसमें ये और ये बच गया, हो गया। अभी ये और ये प्लस करेंगे, जैसे कि 190
190 प्लस 220 हमारा टोटल होता है 410। इसमें हम कुछ करने वाले नहीं हैं, यहाँ से डायरेक्टली 410 यहाँ रखने वाले हैं। देखिएगा 410 थोड़ा सा 410 हो रहा है, रख रहे हैं ओके, और बेंडिंग कर रहे हैं, और लास्ट वाला जो हुक है वो बेंड हो रहा है। लास्ट वाला हुक बेंड होने के बाद में अभी यहाँ अब ये जो एक बेंड रह गया बीच वाला वो कर दें। अभी देखिए अच्छा एक ही बेंड रह गया, तो उसके लिए पिन कौन सा है यूज़ कर रहे हैं, ये बेंड के लिए, ये और ये बेंड के लिए कौन सा पिन है? तीन नंबर। देखिए ये और ये बेंड जो है उसके लिए तीन नंबर जो पिन है यहाँ पर, मतलब एक दो तीन, तीन नंबर की पिन जो है वो बेंड कर रहे हैं। यार तीन नंबर का स्विच ऑन नहीं किया था, यहाँ पर बेंड हो रहा है ओके। अभी हम यहाँ पर ओनली दो ही पिन का यूज करते हैं, बराबर ना, दो ही पिन, एक तो ये जो सामने सामने है जिस बिल्डिंग का सामने सामने, तो यहाँ से एक नंबर से आगे जाना है वो हमारा बेंड है, ये इसके लिए, ये और ये हुक बेंडिंग के लिए, और हुक जो बेंड है वो यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात नंबर की पिन है। आप यहाँ पर यूज़ यानी आपकी साइज़ के हिसाब से आपको एडजस्ट करके पिन को आगे पीछे कर सकते हैं, इसकी साइज़ अलग है तो इसके हिसाब से आपका पिन चेंज हो जाएगा ओके। ऐसे हिसाब से ये साइड में बेंडिंग मशीन पे ये रिंग बनाता है, पहले इधर फेंका जाता है, उसके बाद में जब अपन काम पूरा होने के बाद ऐसा बांध के इसका स्टैकिंग करके वो साइड पे चली जाती है ओके। थैंक यू सो मच।